फरवरी 2021 में लगातार 9वें महीने खाद्य की कीमतों में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि जुलाई 2014 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। खाद्य व कृषि संगठन ने कहा कि चीनी और वनस्पति तेलों की कीमतों में उछाल के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं। जनवरी में 113.0 अंक के मुकाबले फरवरी 2021 में सूचकांक 116.0 अंक पर आ गया था। खाद्य मूल्य सूचकांक खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। खाद्य व कृषि संगठन का मुख्यालय इटली के रोम शहर में है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल फू डोंगयू है, जो कि चीन से है। वेस्ट इंडीज के किरण पोलर्ड ने हाल ही में एक टी20 मैच में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया। इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। उन्होंने श्रीलंका के अकेला धनंजय के खिलाफ यह 6 छक्के लगाए। किरण पोलर्ड वेस्ट इंडीज के वनडे टीम के कप्तान हैं। वे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस ने हाल ही में वैश्विक राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट का शीर्षक फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021-डेमोक्रेसी अंडर सीज है। इस रिपोर्ट में लोकतंत्र और मुक्त समाज के रूप में भारत की स्थिति आंशिक रूप से मुक्त दर्शाई गई है। इसमें कहा गया है कि भारत में राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में स्कोर के आधार पर देशों में स्वतंत्रता के स्तर का आकलन किया जाता है और उन्हें मुक्त, आंशिक रूप से मुक्त या मुक्त नहीं घोषित किया जाता है। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस ने बिजनेस किश्त सुरक्षा कवर लॉन्च किया है। यह कवर किसी भी तबाही या प्राकृतिक आपदा के आने पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFI वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की सुरक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड HDFC यह मुंबई में स्थित एक वित्तीय सेवा कंपनी है। यह भारत में एक प्रमुख आवास वित्त प्रदाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। उड़ीसा सरकार 1 मई से 20 मई 2021 तक पिछड़े वर्ग के लोगों के सामाजिक और शैक्षिक परिस्थितियों का पहला राज्य सर्वेक्षण शुरू करेगी। झारखंड सरकार ने पहली बार 3 मार्च 2021 को परिणाम आधारित बजट आउटकम बेस्ड बजट प्रस्तुत किया है। इस तंत्र के तहत एक क्षेत्र को संभालने वाले प्रत्येक मंत्रालय को वित्त मंत्रालय को प्रारंभिक परिणाम आधारित बजट पेश करने की आवश्यकता होती है। इस बजट में सभी विभागों को विशिष्ट लक्ष्य और जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन्हें एक निर्धारित समय में पूरा किया जाना आवश्यक है। उन लक्ष्यों के संबंध में परिणामों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2022 के अंत में किया जाएगा।